माय चैनल फ्रेंड, आज मैं ये लेके आई हूँ पैजामी जो कि मैं पूरा सेट बना रही हूँ फ्रॉक के साथ। और फ्रेंड ये 2 to 4 इयर्स तक के बच्चों के लिए है सेट। और ये पैजामी आप देखिए 2 से 3 साल तक के बच्चों के लिए है। और अगर बच्चे की हेल्थ और हाइट के ऊपर डिपेंड करता है तो 4 इयर्स तक भी ये आ जाएगी। और फ्रेंड ये देखिए, इसमें इतना मैंने थोड़ा सा पैटर्न डाला है, आप चाहो तो ये पैटर्न यहाँ तक भी डाल सकते हो। उसके बाद मैंने पैटर्न इतना सा डाल करके फिर मैंने सीधी उल्टी सिलाई का बनाया इस तरह से। और फिर मैंने बॉर्डर यहाँ पर 2x2 का बनाया है और इसे मैंने इस तरह से स्टिच किया है और इसमें इलास्टिक डाला है। फ्रेंड इसके साथ की मैंने फ्रॉक बना ली है, उसकी 2 पार्ट्स में वीडियो और 1 कैप मैंने बनाई है, उसकी वीडियो भी मैं अपलोड कर चुकी हूँ और मेरे चैनल पर जाकर के देख सकते हो और उनका लिंक इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। और फ्रेंड चलिए बनाते हैं इसे आज। और बनाने से पहले फ्रेंड मेरी एक रिक्वेस्ट है, अगर अभी आज तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरी वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए। तो चलिए बनाते हैं इसे। इस प्रोजेक्ट को बनाने के लिए हम वर्धमान की ब्लू बेल वूल यूज़ करेंगे और इसका जो शेड नंबर है 14 और इसके लिए जो निटिंग नीडल यूज़ करेंगे देखिए वो 10 नंबर। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स ये पैजामी स्टार्ट करने के लिए मैंने लिए हैं 46 स्टिचेस और ये मैंने 9 रोज़ बनाई है जी, दोनों तरफ से उल्टे उल्टे स्टिचेस की। और इस तरह से हमारे पास 1, 2, 3, 4, 5 स्ट्राइप्स बन गए। अब मैंने लास्ट रो राइट साइड से बनाई है और 9th रो, और अब हमारी है 10th रो, तो ये रॉन्ग साइड से बनानी है। इसमें हमने 3 स्टिच इंक्रीज करने हैं, तो कहीं भी हम 3 स्टिच इंक्रीज करेंगे। अब एक स्टिच हम यहाँ पर इंक्रीज कर लेते हैं, एक स्टिच बढ़ गया हमारा, 2 स्टिच और हम इंक्रीज करेंगे। अब ये इतनी स्टिचेस मैंने बना लिए और एक स्टिच हम यहाँ पर बढ़ा देते हैं और हमने 3 स्टिचेस बढ़ाने हैं, तो 2 स्टिचेस इंक्रीज किए और एक हम इस साइड आकर के कर लेंगे। अब एक स्टिच यहाँ इंक्रीज कर लेते हैं। ये 10th रो है हमारे बॉर्डर की और ये सारे फंदे उल्टे ही बना रहे हैं, हमने सारी रोज 1 to 10 उल्टे उल्टे फंदों की बनाई है दोनों साइड से। अब फ्रेंड देखिए 3 स्टिचे बढ़ा करके हमारे पास अब हो गए 49 स्टिचेस। हम इसमें जो पैटर्न डालने जा रहे हैं उसके लिए स्टिचे चाहिए 8+1, तो इसलिए ये 8, 6 और 48 + 1 = 49, इसलिए मैंने 49 स्टिचेस किए हैं यहाँ पर कि हमारा पैटर्न जो है स्टार्टिंग में सेट हो जाए, उसके बाद तो हमारे साइड्स पर जो स्टिचेज इंक्रीज होते रहेंगे। ये पैटर्न 12 रोज का पैटर्न है, तो यहाँ से हम 1 रो ही काउंट करेंगे, फर्स्ट रो से काउंट करना स्टार्ट करेंगे। तो ये हमारी है फर्स्ट रो राइट साइड से, तो फर्स्ट रो सारे फंदे जो है सीधे बनाने हैं, सारे फंदे सीधे बना करके राइट साइड से रो बनाएंगे, निट ऑल द स्टिचेस। ये फर्स्ट रो राइट साइड से सारे फंदे सीधे बना करके ये कंप्लीट कर ली मैंने। अब हमारी रो 2 है रॉन्ग साइड से, तो ये भी सारे फंदे उल्टे बनाने हैं इस रो में, पर्ल ऑल द स्टिचेस, सारे फंदे उल्टे बना करके ये रो कंप्लीट करेंगे। रो 2 रॉन्ग साइड से सारे फंदे उल्टे बनाए मैंने। अब हमारी है रो 3, तो पहले हम बनाएंगे 3 फंदे सीधे, निट 3। अब हमारा रिपीट पैटर्न स्टार्ट होता है, निट 1, उसके बाद थ्रेड आगे लाएंगे, इस तरह से स्टिच को पलटाएंगे, बैक साइड से 2 का 1 करेंगे इस तरह से, यार्न ओवर, निट थ्रू, नेट 2 टुगेदर थ्रू बैक लूप। अब यहाँ पर एक फंदा बढ़ गया और एक यहाँ पर जो है वो कम हो गया। अब इसके बाद हम 5 स्टिचेस सीधे बनाएंगे, नेट 5, 1, 2, 3, 4 एंड 5, ये हमारा रिपीट पैटर्न है 8 फंदों का। देखिए यहाँ इसके बाद
8 स्टिचेज, यही हमने बार बार रिपीट करने हैं। अब पांच फंदे सीधे बनाए, रिपीट पैटर्न ओवर, नेक्स्ट पैटर्न स्टार्ट, नेट वन, एक फंदा सीधा बनाएंगे तो इस तरह से हमारे पास ये छः फंदे सीधे हो जाते हैं। उसके बाद थर्ड आगे लाएंगे, इसको इस तरह से पलटाएंगे और दो का एक करेंगे पीछे से, यार्न ओवर, नीट टू टुगेदर थ्रू बैक लूप, नीट फाइव, 1 2 3 4 5, तो अगेन रिपीट पैटर्न ओवर, पैटर्न स्टार्ट, नीट वन, थ्रेड आगे लाएंगे, यार्न ओवर, यहाँ पर जाली बनाएंगे, नीट टू टुगेदर थ्रू बैक लूप। देखिए यहाँ पर जाली बनी, दो का एक भी किया हमने, 1 2 3 4 5, रिपीट पैटर्न ओवर, अगेन नीट वन, तो इसी तरह हम बनाते जाएंगे। अब थर्ड रो के एंड में है, ये दो का एक किया, नीट फाइव, 1 2 3 4 एंड 5। अब फ्रेंड जितने भी आपने ये स्टिचेस हो, अगर पैटर्न कहीं और भी डाल रहे हो तो इसी पैटर्न को इसी तरह बनाते जाइए। अब हमारा यहाँ पर रिपीट पैटर्न ओवर होता है और लास्ट में हमने कैसे बनाना है, ये हमने 5 स्टिचेस बनाए, अगेन नीट वन, थ्रेड आगे लाएंगे, इस तरह से दो का एक करेंगे, नीट टू टुगेदर थ्रू बैक लूप, यार्न ओवर करके, उसके बाद हमारे पास 3 स्टिचेज है। पहले हम 5 स्टिचेज सीधे बनाते थे और लास्ट में हमारे पास 3 स्टिचेज रहेंगे, नीट 3, तीन फंदे लास्ट में सीधे बनाएंगे। रो 4 रॉन्ग साइड से सारे फंदे उल्टे बनाएंगे, इस पैटर्न की रॉन्ग साइड से सारी रोज ऐसे ही बनेंगी, सारे फंदे उल्टे बनाएंगे, ये जाली वाला फंदा, इसको इस तरह से बना लेंगे, ये फंदे उल्टे बनाते जाएंगे और ये जाली वाले फंदे को हम इस तरह से बना लेंगे। तो ये रो मैं बना लेती हूँ, ये 4th रो मैंने कंप्लीट कर ली। और देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारी एक एक इस तरह से जाली बनी है। अब हमारी है 5th रो राइट साइड से, अब हमने इस जाली के दोनों तरफ जाली बनानी है। तो पहले हम 5th रो है, 4 रोज हमने बना ली और यहाँ पर हमने इंक्रीज करना है। जैसे हम स्लीव्स पे इंक्रीज करते हैं तो किसी भी तरह से कर लीजिए, मैं ये सेकंड स्टिच में इस तरह से कर रही हूँ। एक बार फिर से देखिए, इस स्टिच के इस तरह सेंटर में डाल करके ये थ्रेड लाएंगे, इसको ड्रॉप डाउन नहीं करेंगे और फिर इससे का फंदा बना लेंगे। तो अब यहाँ पर एक स्टिच बढ़ गया। अब हमारे ये जो पैटर्न है, यहाँ पर हमने 2 स्टिचेस सीधे बनाने थे तो एक बढ़ गया, 3 हो गए। अब हमने देखिए ये वाला जाली का फंदा है, इसके बाद हमारा रिपीट पैटर्न ये है। पहले हमने नीट 2 ये वाला, इसके बाद रिपीट पैटर्न स्टार्ट होता है, नीट 2 टुगेदर, इस तरह से सिंपली दो का एक करना है, थर्ड आगे लेके आना है, यहाँ पर जाली बनानी है, फिर थ्रेड आगे लाना है, जाली भी बनानी है, यहाँ पर दो का एक ही करना है, नीट टू टुगेदर थ्रू बैक लूप, यार्न ओवर करना है। अब देखिए इसके दोनों तरफ यहाँ भी जाली बन गई, यहाँ पर भी, नीट 3, 1 2 3, तो यही 8 स्टिचेस का हमारा रिपीट पैटर्न है। देखिए अगेन नीट 2 टुगेदर, रिपीट पैटर्न यहीं से स्टार्ट होगा, नीट 2 टुगेदर, यार्न ओवर, नीट 1, फिर थ्रेड आगे लाएंगे, यार्न ओवर, नीट 2 टुगेदर थ्रू बैक लूप, पीछे से दो का एक करेंगे, नीट 3, रिपीट पैटर्न ओवर। तो इसी तरह रिपीट करते जाएंगे, फिर दो का एक करेंगे, यार्न ओवर करेंगे, एक फंदा सीधा बनाएंगे, यार्न ओवर करेंगे, दो का एक करेंगे और तीन फंदे सीधे बनाएंगे, नीट 3। तो इसी तरह हम ये रो का बना लेंगे और लास्ट में देखिए यहाँ पर हमारे 3 स्टिचेस सीधे आते हैं, उसके बाद दो का एक किया, यार्न ओवर, फिर नीट 1, एक फंदा सीधा बनाया, यार्न ओवर, नीट 2 टुगेदर, और लास्ट में 3 नहीं, हमारे पास अब 2 आएंगे, लास्ट में 2 आएंगे, बीच में सब जगह 3 आएंगे। और यहाँ पर हमने सारी इंक्रीज भी करना है, हमने आगे से इंक्रीज कर लिया स्टार्टिंग में, तो यहाँ पर मैं सेकंड स्टिच से इंक्रीज करूँगी। तो ये एक इंक्रीज हो गया, ये दो फंदे सीधे और एक इंक्रीज। अब रो 4th है रॉन्ग साइड से, तो रॉन्ग साइड से सारे फंदे उल्टे बना करके रो कंप्लीट करेंगे।
सारे फंदे हमने उल्टे बनाने हैं, पर्ल ऑल स्टिचेस। तो देखिए ये जाली वाला फंदा इस तरह से बना लेंगे, ये बनाया इसको इस तरह से, तो ये रो मैं बना लेती हूँ। 6th रो मैंने कंप्लीट कर ली। अब जितने हमारे स्टिचेस बढ़ रहे हैं, अगर आपको बनाने में प्रॉब्लम आई, मीन्स जो बिगनर्स हैं तो यहाँ पर मार्कर लगा सकते हैं, क्योंकि हमें पैटर्न इतनी स्टिचेस पे चलाना है, सीधा सीधा बनाते जाना है, जो हमारे इंक्रीज होते जाएंगे उसे हम सीधे उल्टे फंदे ही बनाएंगे, और फिर हमें मुश्किल होगी यहाँ से देखना कि हमने पैटर्न कहाँ पे स्टार्ट करना है। ओनली फॉर बिगनर्स प्लीज़। और इसलिए यहाँ पर मार्कर लगा देते हैं। तो ये फंदे एज इट इज़, जैसे मैंने पैटर्न ऊपर आपको बोला है, साथ में टेक्स्ट में दिया है, आप वैसे ही बनाते जाइए। तो अब हमारी ये है 7th रो राइट साइड से, मार्कर को ऐसे शिफ्ट कर लेंगे और ये रो सारे फंदे सीधे बनाने हैं, निट और सारे फंदे सीधे बना करके ये रो कंप्लीट करेंगे। अब हम 7th रो के एंड में हैं, देखिए सारे फंदे सीधे बना रहे हैं, मार्कर को यहाँ शिफ्ट कर लेंगे और इसी तरह हम ये फंदा सीधा बनाएंगे। अब रो 8th रॉन्ग साइड से, तो ये फंदे हमने उल्टे बनाने हैं, पर ऑल द स्टिचेस इसको इस तरह से शिफ्ट करेंगे और ये फंदे सीधे बनाएंगे, पर ऑल द स्टिचेस, सारे फंदे उल्टे बना करके ये रो मैं बना लेती हूँ। देखिए अब इस तरह से बन गया। अब हमने यही पैटर्न फिर इस तरह से बनाना है। अब हमने ये वाला पैटर्न इन दो पैटर्न के बीच में बनाना है, सेम तरीका रहेगा बनाने का, बस हमारी ये जो जगह है वो प्लेस है वो चेंज हो जाएगा। अब दोनों के बीच में ये पैटर्न बनाएंगे। और अब हम देखिए, अब इंक्रीज़ किया था हमने 5th रो पर, 6th रो बनाई, 7th बनाई, 8th बनाई, अब 9th रो है, तो अब हम इंक्रीज़ करेंगे, फिर 10th, 11th, 12th बनाएंगे, 13th फिर इंक्रीज़ करेंगे, मींस सीधी सिलाई पर राइट साइड से इंक्रीज़ करेंगे, फिर रॉन्ग साइड से रो बनाएंगे, राइट साइड से, रॉन्ग साइड से, 3 रोज के बाद फिर हम इंक्रीज़ करेंगे, मींस एट एवरी 4th रो हम इंक्रीज़ करते जाएंगे दोनों तरफ से वन वन स्टिच। तो चलिए आप, पहले हमने यहाँ पर इंक्रीज़ करना है, तो यहाँ मैं सेकंड स्टिच से कर रही हूँ, अगर आप फर्स्ट से करते हो तो फर्स्ट से कर सकते हो। तो ये हमारा हो गया, अब हमारे 2 स्टिच डिक्रीज हो चुकी है, तो 2 के बाद हम यहाँ पर मार्कर लगाएंगे, इसके बाद ये स्टिच हम यहाँ डाल लेंगे। और अब हमारे ये वाला 1 स्टिच पैटर्न का है, तो हमने यहाँ पर 3 स्टिच बनाने हैं, 1 बन गया, 2, 3। अब इसके बाद हमारा रिपीट पैटर्न स्टार्ट होता है, निट 5, पहले निट 3, फिर निट 5, 1, 2, 3, 4 एंड 5। अब हमारे 8 स्टिचेज हो जाते हैं यहाँ पर सीधे, क्योंकि अब हमने पैटर्न यहाँ बनाना है। ये जो हमारे बीच वाले 3 फंदे थे सीधे बनाए लास्ट रो में हमने, तो यहाँ पर हमने 1 स्टिच 3 में से बनाना है, उसके बाद इस तरह से थ्रेड आगे लाना है, यार्न ओवर करना है, जाली बनानी है और ये 2 का 1 करना है, नीट 2 टुगेदर थ्रू बैक लूप। अब इसके बाद हमने फिर 1 स्टिच बनाएंगे, हमारा पैटर्न यहाँ पर ओवर हो जाएगा। देखिए यहाँ पर 3, उसके बाद 1, 2, 3, 4, 5 स्टिचेस सीधे बनाए, यार्न ओवर, 2 का 1, निट 1, ये 8 स्टिचेज हो गए, यहाँ पर हमारा रिपीट पैटर्न ओवर। नेक्स्ट पैटर्न स्टार्ट, 5 फंदे सीधे, 1, 2, 3, 4, 5, तो 1 यहाँ बनाया था, तो ये 6 स्टिचेज सीधे हो गए। अब थ्रेड आगे लाएंगे, ये वाले 2 का 1 करेंगे, देखिए निट 2 टुगेदर थ्रू बैक लूप। इसके बाद फिर हमने 1 स्टिच सीधा बनाना है, तो हमारे ये रिपीट पैटर्न ओवर। तो इसी तरह हम रो कंप्लीट करेंगे। अब देखिए ये सेकंड लास्ट पैटर्न मैंने कंप्लीट कर लिया, अब यहाँ 2 के बीच में ये पैटर्न बनेगा। अब ये 5 स्टिचेस मैंने सीधे डाले, नेक्स्ट पैटर्न स्टार्ट, निट 1, 1 फंदा सीधा और थ्रेड आगे लाएंगे, यार्न ओवर, नीट 2 टुगेदर थ्रू बैक लूप, 2 का 1 करेंगे और उसके बाद 5 फंदे सीधे बनाने हैं हमने, 1 फंदा सीधा बनाना है, उसके बाद जितने फंदे बचेंगे वो सीधे बनाने, यहाँ पर रिपीट पैटर्न ओवर।
अब 1, 2, 3, 4, 5, 6 और ये 7, 7 स्टिचेज रहेगी, ये हम सीधे बना देंगे। तो मीन्स लास्ट में हमारे पास 8 स्टिचेज हो जाएंगी और यहाँ पर हमने इंक्रीज भी करना है। यहाँ पर इंक्रीज करेंगे इस तरह से। तो अब हमारे पास सीधे स्टिचेस, ये 2 का 1 करने के बाद मैं टोटल स्टिचेस बताती हूँ आपको, ये 9 स्टिचेस हो गए, एक इंक्रीज हो गया। अब हमारी रॉन्ग साइड से 10th रो, तो अब देखिए हमारे 2 स्टिच इंक्रीज हो चुके हैं, तो यहाँ पर हम मार्कर लगा लेते हैं और ये सारे फंदे उल्टे बनाने हैं, पर्ल ऑल द स्टिचेस, सारे फंदे उल्टे बना करके ये रो मैं बना लेती हूँ। हमारी है 11th रो राइट साइड से, और ये 2 फंदे ये तो हमने इसी तरह सीधे और दूसरी तरफ से उल्टे फंदे, ये हमने ऐसे ही बनाते जाने हैं। अब यहाँ पर हमारे 3 फंदे सीधे, 1, 2, 3, इसके बाद हमारा रिपीट पैटर्न स्टार्ट होता है, अगेन नेट 3, 1, 2, 3। इसके बाद देखिए ये वाला जाली से पहले 2 स्टिचेस हैं, इनका हमने सिंपली 2 का 1 करना है। थ्रेड आगे लाएंगे, यार्न ओवर, निट 1, एक फंदा सीधा बनाएंगे, अगेन यार्न ओवर, थ्रेड आगे लाएंगे, जाली बनाएंगे और इस फंदे को पलटा करके पीछे से 2 का 1 करेंगे, यार्न ओवर, निट 2 टुगेदर थ्रू बैक लूप। अब यहाँ से हमारे 2, 4, 6, 8 स्टिचेस का रिपीट पैटर्न ओवर हुआ। अब नेक्स्ट पैटर्न स्टार्ट, नीट 3, 3 फंदे सीधे, 1, 2, 3, फिर 2 का 1 करेंगे इस तरह से। अब ये वाला फंदा है इसे हमने सीधा बनाना, उससे पहले हमने जाली बनानी, जो फंदे हमारे कम हो रहे हैं वो साथ साथ हमारे बढ़ रहे हैं, तो अब इस तरह से जाली बनाएंगे तो रिपीट पैटर्न ओवर। तो इसी तरह हम रो कंप्लीट करेंगे। अब लास्ट पैटर्न है हमारा, ये 3 फंदे मैंने सीधे बना लिए, अब नीट 2 टुगेदर इस तरह से, यार्न ओवर, नीट 1, यार्न ओवर, नीट 2 टुगेदर थ्रू बैक लूप। अब हमारे पास जितने स्टिचेज हैं ये हमने सीधे बनाने हैं, 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6, 6 स्टिचेज सीधे, और ये जो मार्कर के दूसरी साइड इंक्रीज स्टिचेज हैं ये भी हमारे सीधे आएंगे। अब है 12th रो एंड लास्ट रो ऑफ द पैटर्न, पर्ल ऑल द स्टिचेस, सारे फंदे उल्टे बना करके ये रो कंप्लीट करेंगे। तो ये रो मैं बना लेती हूँ। फिर देखिए ये 12th रो मैंने कंप्लीट कर ली, अब ये पैटर्न हमारा इस तरह से बन रहा है। अब हमने फिर सीधी उल्टी रो बनानी है और उसके बाद हमने ये वाला पैटर्न बनाना है, फिर एक सीधी उल्टी रो बनानी है, फिर ये बनाना है, इसी तरह हम बनाते जाएंगे और ये 12 रोज 2 टाइम्स और रिपीट करेंगे, मतलब 2 पैटर्न और बनाएंगे, एक हमारा बन गया, टोटल 3 पैटर्न हमने ये बनाने हैं। और ये जो स्टिचिंग इंक्रीज करने हैं ये हमने 3 रोज बना करके फिर हमने इंक्रीज करनी है, एट एवरी 4th रो, चौथी सिलाई पर हम ये फंदे दोनों तरफ से 1-1 जो है वो बढ़ाते जाएंगे, इंक्रीज करते जाएंगे। और फ्रेंड जो आपको टेक्स्ट ऊपर मिल रहा है, जो लिखा हुआ मिल रहा है, वो ब्रैकेट में जो डाले हैं वो इंक्रीज स्टिचेस हैं, ये कितने हो गए और वो इंक्रीज स्टिचेस हैं, ये जो बढ़ेंगे स्टिचेस, ये वाले 2 स्टिचेस ये भी ब्रैकेट में डालूंगी, मैं स्टार्टिंग में डाल रही हूँ, और ये लास्ट वाले भी जो ब्रैकेट में डाले हुए स्टिचेस हैं। और फ्रेंड्स ये वाले स्टिचेज ये ऐसे ही हमने बनाने हैं, इधर से सीधे, रॉन्ग साइड से उल्टे, ये ऐसे चलते जाएंगे और ये पैटर्न जो है 49 स्टिचेज के ऊपर चलता रहेगा। तो इसमें आपको बनाने में बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, आपने किसी भी चीज़ में स्लीव्स में बनाना हो या आपने पूरी लेगिंग में डालना हो, ये मैंने थोड़ा सा ही डालना है, 2 पैटर्न और डाल लेंगे। तो चलिए इतना बना करके फिर मैं आपसे मिलती हूँ। मैंने इतना बना लिया है और हमारी 12 रोज के ये एक पैटर्न है, तो मैंने 3 टाइम्स 12 रोज बनाई, 3 पैटर्न ये हमारे कंप्लीट हो गए, 1, 2, 3। और जितने भी हमारे स्टिचेज जो इंक्रीज हो रहे हैं देखिए उन पे मार्कर के बाहर मैंने इस तरह से मार्कर लगा रखा है, दोनों मार्कर के बीच हमारे पास 49 स्टिचेज है जिन पर हमारा पैटर्न चलता जा रहा है। और फ्रेंड इसके बाद हम पैटर्न नहीं डालेंगे, ओनली स्टॉकिंग एंड स्टिच, सीधी उल्टी रोज ही हम बनाएंगे, और जो स्टिचेज इंक्रीज करने हैं ये हम इसी तरह ही करते जाएंगे
हर चौथी सिलाई पर एट एवरी फोर्थ रो हम वन वन स्टिच जो इंक्रीज करते जाएंगे और इस तरह यहाँ से लेकर के हम 10 इंचेस तक आसपास 10 इंचेस की हम बना लेंगे। तो मैं बना करके फिर आपको दिखाती हूँ। फ्रेंड देखिए पैटर्न बनाने के बाद हमने ये स्टॉकिंग स्टिच स्टार्ट किया था और ये सीधी उल्टी रो बनाते हुए मैंने इतना बना लिया है और फोर्थ रो पर चौथी सिलाई पर मैं ये स्टिच दोनों तरफ से वन वन स्टिच इंक्रीज करती गई हूँ और अब हमारी जो लेंथ है वो है और अब हमारे पास जो यहाँ पर स्टिचेज है ये 89 स्टिचेस हो गए हैं और ये लेंथ जो है देखिए 10.5 इंचेस। और अब हमने आसन स्टार्ट करना है तो उससे पहले हम दोनों तरफ से स्टिच इंक्रीज करेंगे। तो यहाँ पर इंक्रीजिंग होगी 3, 2, 1 दोनों साइड से। तो देखिए पहले हम यहाँ से करेंगे, आप इस तरह से भी स्टिच डाल सकते हो, आप कैसे भी कर सकते हो। इस तरह से स्टिच बनाएंगे, इसको निकालेंगे नहीं, इसको इसके ऊपर डाल देंगे, 1 इंक्रीज हो गया, फिर स्टिच लाएंगे, फिर इस तरह से डाल देंगे 2 हो गए एंड फिर ऐसे बनाएंगे 3 हो गए। अब हम सारी सीधी रो बना लेंगे और दूसरी साइड भी जब रो स्टार्ट करेंगे तब हम 3 स्टिच इंक्रीज करेंगे। तो इस तरह से सारे फंदे सीधे बना करके ये रो कंप्लीट करेंगे। ये रो 1 काउंट कर लेते हैं, इंक्रीजिंग करेंगे हम ये रो पर। तो निट ऑल द स्टिचेस, रो 1 राइट साइड से मैंने कंप्लीट कर ली। अब हमारी रो है 2 रॉन्ग साइड से, तो यहाँ पर हमने इसी तरह यहाँ भी स्टिच इंक्रीज करनी है 1 एंड 3 स्टिच इंक्रीज हो गए। अब हमने ये रॉन्ग साइड से पूरे फंदे उल्टे बनाने हैं, पर्ल ऑल द स्टिचेस। तो ये रो मैं बना लेती हूँ, सारे फंदे उल्टे बना करके ये रो कंप्लीट करेंगे। सेकेंड रो रॉन्ग साइड से मैंने बना ली, अब हमारी राइट साइड से थर्ड रो है। तो अब हमने 2 स्टिच इंक्रीज करनी है, 1 एंड 2। अब हमारे 5 स्टिच यहाँ पर इंक्रीज हो चुके हैं और ये हम वैसे ही बनाएंगे, सारे फंदे सीधे बना करके ये रो कंप्लीट करेंगे। नीट ऑल द स्टिचेस, इस तरह से ये फंदे बनाएंगे। तो देखिए इस तरह से ये बनेगा और ये रो मैं बना लेती हूँ। रो 4th रॉन्ग साइड से, तो अब इधर से हमने 2 स्टिच इंक्रीज करने हैं इस तरह से। अब हम ये फंदे उल्टे बना लेंगे, पर्ल ऑल द स्टिचेस। सारे फंदे उल्टे बना करके ये रो कंप्लीट करेंगे, ये रो 4th रॉन्ग साइड से। अब रो 5th राइट साइड से, अब हमने 1 स्टिच इंक्रीज करना है, पहले 3 किए फिर 2 किए अब 1 और अब फिर ये सारे फंदे इसी तरह सीधे बना करके ये रो कंप्लीट करेंगे। निट ऑल द स्टिचेस, इसी तरह रो ये बना लेंगे। अब रॉन्ग साइड से रो 6th है, तो यहाँ पर भी हम 1 स्टिच इंक्रीज करना है और फ्रेंड्स यही हमारे लास्ट जो है वो रो है इंक्रीजिंग की। इस तरह से ये इंक्रीज कर लेंगे। अब ये सारे फंदे उल्टे बना करके रो कंप्लीट करेंगे, पर्ल ऑल द स्टिचेस। और फ्रेंड्स अब हमने इंक्रीजिंग नहीं करनी और अब हम इस तरह से इसको सीधा सीधा बनाते जाएंगे, सारा जितने भी हमने आसन बनाना है वो बनाएंगे और ये बना करके फिर मैं आपको दिखाती हूँ। फ्रेंड इंक्रीजिंग के बाद मैंने इतना बना लिया है और ये यहाँ से हम मेज़र करेंगे
तो देखिए ये 8 इंचेस है, 8 इंचेस, और 10.5 इंचेस हमने नीचे बना लिया था। उसके बाद हमने ये इंक्रीजिंग की थी, आसन स्टार्ट किया था, और अब हम इसका ऊपर से बनाएंगे। अब हमारे पास टोटल स्टिचेस जो हैं 101 स्टिचेस हैं। तो अब हमने बॉर्डर स्टार्ट करना है इलास्टिक डालने के लिए। तो ये बनाएंगे निट टू पर्ल टू, दो फंदे सीधे दो फंदे उल्टे। तो अब हमारे पास स्टिच है 101, तो इसलिए एक स्टिच हमारे पास ज़्यादा है क्योंकि हमें इवन नंबर में चाहिए, तो ये ऑड नंबर में है। तो एक स्टिच हम कहीं भी जो है वो डिक्रीज कर देंगे, कम कर देंगे। तो इस तरह से हम ये बनाते जाएंगे, और ये वन रो ही हमने रिपीट करनी है। ये रो मैं आपको कंप्लीट करके दिखाती हूँ। ये हमारी राइट साइड से रो है निट टू पर्ल टू। अब ये राइट साइड से रो मैंने कंप्लीट कर ली, तो एक स्टिच मैंने बीच में डिक्रीज कर दिया, दो का एक कर दिया था। अब देखिए ये हमारे लास्ट में टू स्टिच जो हैं उल्टे आए, और हमने स्टार्टिंग की थी सीधे स्टिचेस से नेट टू। अब हमारी रो टू रॉन्ग साइड से, तो जैसे फंदे हमारे दिखाई दे रहे हैं वैसे ही बनाने हैं। तो पहले फंदे हमारे सीधे हैं, तो ये ऐसे ही बनाएंगे नेट टू। फर्स्ट रो जो राइट साइड से वो ही हमने रिपीट करनी है। ये सेकेंड रो है रॉन्ग साइड से निट टू पर्ल टू, जैसे हमारे दिखाई दे रहे हैं हमने वैसे ही स्टिचे बनाने हैं। तो इसी तरह रो वन रिपीट करते हुए 8, 10 या 12 ये रोज हम बना लेंगे। इतनी रोज बना करके फिर मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए इस तरह से, और ये इधर से ऐसे दिखाई देगा। तो ये मैं बना करके रोज फिर दिखाती हूँ। देखिए इस तरह से रो वन रिपीट करते हुए मैंने 10 रोज़ कंप्लीट कर ली। अब 10 रोज़ और बनाएंगे हम इसी तरह, लेकिन अब सीधे फंदों के ऊपर उल्टे फंदे बनाएंगे, उल्टे फंदों के ऊपर सीधे। अब हमारी रो 11th है राइट साइड से पर्ल टू नीट टू, देखिए, और ये फंदे सीधे हैं तो यहाँ पर उल्टे बनाएंगे। और ये फंदे सीधे हैं उल्टे हैं तो सीधे बनाएंगे, और ये फंदे सीधे हैं इनके ऊपर उल्टे बनाएंगे। तो इसी तरह 11th रो हम रिपीट करेंगे और फिर 10 रोज कंप्लीट कर लेंगे। तो इसी तरह ये बना के मैं आपको दिखाती हूँ। अब देखिए यहाँ से हमने ये चेंज किया, जब उसके बाद फिर 10 रोज मैंने बना ली, तो अब हमारी 20 रोज होगी, और इस तरह से अब ये फोल्ड होगा। अब उससे पहले हम यहाँ पर इसे बाइंड ऑफ करेंगे स्टिचेस को। ये सीधे स्टिच बनाएंगे, इसको पास ओवर करेंगे, फिर वन स्टिच बनाएंगे। इस तरह से हम सारे बाइंड ऑफ कर लेंगे, और सेम दूसरी साइड भी हम इसी तरह रेडी कर लेंगे। तो ये मैं दूसरी साइड भी बना लेती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। तो इसी तरह हम ये बाइंड ऑफ करेंगे। देखिए ये इस तरह से मैंने बना लिया, कंप्लीट कर लिया, और ये साइड भी मैंने कंप्लीट कर ली। अब देखिए ये साइड हमारी इस तरह से बनी है, और अब हमने स्टिचिंग करनी है। तो पहले हम इसको स्टिच करेंगे, इस तरह से लेंगे, और ये वाली साइड्स इसको इस तरह से, यहाँ से हमने ये इंक्रीज, यहाँ से इस तरह से, यहाँ से ये करेंगे। उसके बाद इसी तरह हम यहाँ पर कर लेंगे सिलाई, ये वाला लेंगे इधर से, इस तरह से ये करेंगे। इसके बाद हमने ये वाला पार्ट करना है, फिर इस तरह से ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट, इस तरह से ये सिलाई कर लेंगे। उसके बाद हमने ये सिलाई करनी है, देखिए, और ये हमने इसलिए किया है यहाँ से आसानी से देखिए फोल्ड हो जाता है इस तरह से। और दूसरी बात, जब हम इसे स्टिच करते हैं, तो अगर हमने ये बनाया होगा इस तरह से, चेंज किया होगा, तो यहाँ पे देखेंगे आप, यहाँ से सीधे फंदे के साथ स्टिच करेंगे,
उल्टे फंदे के साथ उल्टे फंदे, अगर हम ये चेंज नहीं करते तो हमें यहाँ पर थोड़ी मुश्किल आती है। तो अब देखिए सीधे फंदों के साथ यहाँ से ये फंदे उठाते जाएंगे और इसे स्टिच कर देंगे और बीच में इलास्टिक डोरी आप कुछ भी डाल सकते हो। तो ये कंप्लीट करके फिर मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए ये मैंने इस तरह से स्टिच कर ली है और यहाँ पर ऊपर मैंने इसमें इलास्टिक डाला है। आप चाहो तो इसमें डोरी डाल सकते हो, अगर आपने डोरी डालनी है तो यहाँ पर एक इस साइड और एक साइड आप यहाँ पर डोरी निकालने के लिए होल करोगे, या इस पूरी में भी होल बना सकते हो। ऐसी भी वीडियोस पजामे की मेरे चैनल पर हैं, आप वहाँ जा कर के देख सकते हो। और अब हमारी जो टोटल लेंथ मैं आपको बताती हूँ कि अब कितनी होगी। तो देखिए ये अब 19 इंचीज है टोटल लेंथ। तो चलिए फ्रेंड्स बनाइए आप भी इसे। तो ओके फ्रेंड्स बाय, मिलते हैं कि नई वीडियो के साथ।